अब हम चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टडी कर लेते हैं, कॉमर्स क्या है, क्योंकि पीछे वाले टॉपिक के अंदर अब तक हम इंडस्ट्री का ये सारा टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। अब हमको स्टडी करना है हमारा ये कॉमर्स का टॉपिक। सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा ट्रेड का टॉपिक, देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इंडस्ट्री, और जो एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन के बाद शुरू होती हैं, बोले तो जब हम गुड्स को फैक्ट्री से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कंज्यूमर तक, तो इसी रास्ते में क्या होता है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी पड़ती हैं। मतलब जब फैक्ट्री से लेकर कस्टमर तक हमको गुड्स पहुँचानी होती हैं, तो यहाँ पर सारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने क्या बोला, कॉमर्स का नाम दे दिया। तो बिजनेस में दो एक्टिविटीज़ या तो प्रोडक्शन की हैं या प्रोडक्शन के बाद की हैं। जो प्रोडक्शन तक की एक्टिविटीज़ हैं वो इंडस्ट्री, प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटी वो सारी कॉमर्स। हमारा चैप्टर, हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पे ही डिपेंड है कि अब हमको कॉमर्स का टॉपिक स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कॉमर्स के टॉपिक में है क्या। ये बात मैं आपको वैसे पहले बहुत बार बता चुका हूँ। कहता है कि जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, तो प्रोडक्शन होने के बाद हमको उस प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है कस्टमर तक, बोले तो प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। तो इसी बीच में काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, जो परचेज, सेल्स या कुछ सब्सिडरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें होलसेलर भी आ गया, रिटेलर भी आ गया, माल हमको गोडाउन में भी रखना पड़ता है, बैंकिंग की फैसिलिटी लेनी पड़ती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की फैसिलिटी लेनी पड़ती हैं, सारी बातें यहाँ पर आ गई हमारी। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने क्या बोल दिया, कॉमर्स। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने फिर से एक शॉर्टकट में आपको समझाया हुआ है। कहता है भाई, फैक्ट्री में आपका माल तैयार हो गया, फिनिश गुड्स तैयार हो गया, आपने होलसेलर को दिया है ना, आगे उसने आपको रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को सेल कर दिया। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कस्टमर तक, जब तक आपकी गुड्स सेल नहीं हो जाती, को सारी एक्टिविटीज़ को इन्होंने क्या बोल दिया, कॉमर्स। तो कहता है कि लास्ट स्टेप इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इज द सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। क्योंकि जब रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंच गया, तो लास्ट स्टेप क्या है कि हमको कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर को प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो कहता है कि भाई, यहां से लेके यहां तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमारी रास्ते में आती है। कभी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट की आती है, तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को हम सोल्व कर देते हैं, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम भी आती होगी, पैसे की प्रॉब्लम भी आती होगी, गोडाउन की प्रॉब्लम भी आती होगी, एडवर्टाइजमेंट की प्रॉब्लम भी आती होगी। तो इन प्रॉब्लम की हेल्प से सब समस्याओं का समाधान किया जाता है। ट्रांसपोर्ट से हम मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इंश्योरेंस से हमारी मटेरियल की सेफ्टी हो जाती है, फाइनेंस की हेल्प से सेल परचेज करना ईजी हो जाता है, गोडाउन के अंदर हम माल को स्टॉक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो देखो, सारी बातें तो आ गई, तो इन सारी बातों को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स के अंदर क्या कह रहा है, कॉमर्स इंक्लूड द परचेज, सेल ऑफ द थिंग्स एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टीज। मतलब इसमें सेल परचेज करने की तो बात आ ही गई, पर सेल परचेज करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने की बात भी कह रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, तो उन एक्टिविटीज को भी यहाँ पर कॉमर्स में ये लेकर चल रहा है। तो हमारी यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में हमने कॉमर्स का टॉपिक स्टडी कर लिया है। तो फिलहाल अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉमर्स के इस टॉपिक को हम कैसे स्टडी करेंगे। कॉमर्स के टॉपिक को मैंने फर्दर टू पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा ट्रेड का टॉपिक। ट्रेड के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे होम ट्रेड क्या है। होम ट्रेड में लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, नेशनल लेवल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये सब स्टडी करने को मिलेगा। देन हम ट्रेड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है, ये सब स्टडी करने वाले हैं। ट्रेड का टॉपिक जैसे खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे हमारा सेकंड टॉपिक की ओर। ट्रेड में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको हेल्प करती हैं, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं, तो ये हमको छह टॉपिक स्टडी करने होंगे, जिसमें से पहला है हमारा मिडल मैन, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड द एडवर्टाइजिंग। तो कॉमर्स के टॉपिक को मैंने आपको दिखा दिया है, कॉमर्स की पूरे के पूरे टॉपिक की थीम दे दी है। दो पार्ट्स में हमको टॉपिक स्टडी करना है, ट्रेड का टॉपिक एंड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक। तो सबसे पहले अब हम चलेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रेड का। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्रेड आखिर हम कहते किसको हैं। ट्रेड का मतलब होता है
बाय और सेल करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ द गेटिंग प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कमाने के पर्पज के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इन एक्टिविटीज को कोई ना कोई तो करता होगा, तो इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटीज को हम कहते हैं ट्रेड। तो इन एक्टिविटीज को हम क्या नाम बोल रहे हैं, इन एक्टिविटीज को हम बोल रहे हैं ट्रेड का नाम, यस, इन एक्टिविटीज को हम ट्रेड बोलते हैं। और इन सारी एक्टिविटीज को जो भी पर्सन परफॉर्म करता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स बोलते हैं। अगर वो सिंगल पर्सन है तो ट्रेडर हो गया, अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ट्रेडर्स हो गया। कहता है कि ट्रेड कैन बी कैरियड बाय ऑन द स्मॉलेस्ट एंड द एस वेल एज द लार्जेस्ट स्केल। कहता है ये जो ट्रेडिंग का काम है, ट्रेड का जो काम है, इस बिजनेस का जो काम है, ये काम छोटे स्केल में भी हो सकता है, बड़े स्केल में भी हो सकता है। फिर आगे कहता है कि जैसे भाई एग्जांपल क्या, जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं या बड़े बड़े शोरूम है, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो ट्रेड इज कैरियड ऑन द फ्रॉम द लोकल लेवल टू द स्टेट लेवल। तो ये लोकल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। तो यहां पर हमने अभी क्या देखा, सिंपल फॉर्म के अंदर हमने ट्रेड का मीनिंग देखा। कहता है कि भाई ट्रेड के अंदर बाय करना, सेल करना सारी एक्टिविटी आती हैं, और ट्रेड के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं इन सारी एक्टिविटीज को ट्रेड कहा जाता है, और जो भी एक्टिविटीज करने वाला पर्सन है वो ट्रेडर होता है। फिर कहता है कि ट्रेड जो है, जो ट्रेड है, ये जो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज छोटे लेवल पे भी होती हैं, बड़े लेवल पे भी होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती हैं, नेशनल लेवल पे भी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती हैं, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, बड़े बड़े शोरूम भी होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर भी होते हैं, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, तो ये ट्रेड हमारा होता रहता है। तो ये हमने ट्रेड का मीनिंग कह लीजिए, ट्रेड के एग्जांपल्स कह लीजिए, ट्रेड के फीचर्स कह लीजिए, ये हमने एक बार स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद अब हम स्टडी करने वाले हैं ट्रेड का हमारा फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया था ट्रेड में हमें एक तो होम ट्रेड स्टडी करना है, देन हमको क्या स्टडी करना है, फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड की अगर बात करें तो होम ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई जो बिजनेस हम अपनी देश की बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, है ना, जो ट्रेड हम, जो व्यापार, जो हम परचेज सेल अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं, तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया, होम ट्रेड। अब होम ट्रेड किस तरह से होता होगा, लोकल ट्रेड भी होता होगा। जैसे लोकल ट्रेड के अंदर क्या, विलेजेस में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट सेल होते होंगे, इसके अंदर हमारे डेली रूटीन के प्रोडक्ट सेल होते हैं, पेरिशेबल प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, या फ्रेश फ्रूट की बात लगा लीजिए, मिठाइयों की बात लगा लीजिए, मिल्क की बात लगा लीजिए, वेजिटेबल्स की बात लगा लीजिए, सब्जियों की, फ्रूट्स की। तो लोकल लेवल पर वो ट्रेड होता है जो गांवों में या हमारे शहर के अंदर अंदर होता है। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि आप एक मुजफ्फरनगर में रहते हैं या किसी एक शहर के अंदर रहते हैं, तो उसी शहर के अंदर अंदर जो बिजनेस हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है ना, तो उस ट्रेड को हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लोकल ट्रेड का नाम दे रहे हैं हम। इसके बाद हमारा क्या आएगा, स्टेट ट्रेड, क्योंकि भाई जो ट्रेड हमारा लोकल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रेड। अब मान लीजिए आप तमिलनाडु में रहते हैं या कर्नाटक के अंदर रहते हैं, तो कर्नाटक के अंदर ही जो व्यापार हो रहा है, शहर आपस में व्यापार कर रहे हैं, एक शहर का व्यापारी दूसरे शहर के व्यापारी से व्यापार कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं स्टेट ट्रेड। तो स्टेट ट्रेड के अंदर क्या होता है, ये स्टेट लेवल का ट्रेड होता है जिसमें जैसे मक्का है, दालें हैं, बर्तन है, इस प्रकार के प्रोडक्ट के अंदर हम सेल परचेज करने में लगे रहते हैं। अब जब हमारा हो गया इंटरस्टेट ट्रेड, अब मान लीजिए भाई एक स्टेट दिल्ली कर्नाटक से व्यापार कर रही है, हरियाणा पंजाब से व्यापार कर रहा है, पंजाब दूसरे तमिलनाडु से भी कर रहा है, मणिपुर से भी कर रहा है, असम से भी कर रहे हैं, उत्तराखंड से भी कर रहे हैं, तो जब दो स्टेट्स आपस में व्यापार कर रही हैं और वो व्यापार देश के अंदर अंदर हो रहा है, तो उस व्यापार को, उस ट्रेड को हम कह सकते हैं इंटरस्टेट ट्रेड। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हम परचेज सेल करते हैं, शुगर है, कपड़ा है, मशीनरी है, तो ये चीज़ें सेल परचेज होने में लगी रहती हैं। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि हमारा ये होलसेल ट्रेड क्या है। आपने देखा है कि घर के पास या मार्केट में कुछ लोगों ने एजेंसीज ले रखी होती हैं, बिस्किट की एजेंसी या कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी या फ्रूटी की एजेंसी, तो ये जो लोग एजेंसीज लेकर बैठते हैं तो ये होलसेल ट्रेड होता है। तो ये क्या करते हैं, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट लेकर बैठते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल करते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने ब्रिटानिया की एजेंसी ले रखी है, तो उसके पास क्या, ब्रिटानिया के आपको सारे ब्रेड मिलने वाले हैं,
तो ये होलसेल ट्रेड है। तो ये होलसेलर क्या करने वाला है, छोटे छोटे दुकानदारों को या तो ब्रेड सेल कर कर आता है या वो ब्रेड इससे लेकर जाते हैं। तो होलसेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, मींस बाइंग ऑफ गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। तो इसके अंदर वो क्या करता है, जो गुड्स को जो खरीदता है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर खरीदता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर और देयर ऑथराइज्ड डीलर, या किसी बड़ी फैक्ट्री से खरीद लेता है, ये ऑथराइज्ड डीलर से खरीद लेता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ये लोग खरीद लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये छोटी छोटी क्वांटिटी किसको सेल करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं, और रिटेलर बाद में क्या करता है, इन प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करता है उनकी जरूरत के हिसाब से। आपने देखा है घर के पास छोटी छोटी दुकानें होती है, परचून की दुकान, किराने की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान, कपड़े की दुकान, तो ये रिटेलर्स की दुकानें होती हैं। तो रिटेलर क्या करता है, जैसे मान लो किसी कपड़े की दुकान है तो उसने बच्चे के कपड़े भी रख रखे हैं, बुजुर्ग के कपड़े भी रख रखे हैं, लेडीज के भी रख रखे हैं, शादी वाले भी रख रखे हैं, नॉर्मल सीजन के भी रख रखे हैं, है ना, गर्म कपड़े रख रखे हैं या नॉर्मल दिन में यूज होने वाले कपड़े रख रखे हैं, तो रिटेलर। या घर के पास आपने कोई कन्फेक्शनरी की दुकान देखी होगी, किराने की दुकान रखी होगी, किराने की दुकान पर आपको सब मिल जाता है, नमक, चीनी, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, तो ये सारी दुकानें कौन सी होती है, रिटेलर्स की होती हैं। तो ये हमने क्या स्टडी किया, ट्रेड। ट्रेड के अंदर हमने होम ट्रेड देखा, होम ट्रेड के अंदर लोकल, स्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड, देन होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड क्या होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमारा ट्रेड के अंदर सेकंड पार्ट बोले तो फॉरेन ट्रेड। अब आप इसकी लैंग्वेज से समझ जाओ, इसके वर्ड से समझ जाओ, फॉरेन ट्रेड बोले तो विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार के अंदर क्या होता है, ट्रेड जो हमारा होता है ये हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है और हम फॉरेन की जमीन पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो भारत चाइना से व्यापार करता है या जापान से व्यापार करता है या हम यूएसए के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो अब हमारा पहले व्यापार मान लो एक कंट्री के अंदर था तो वो था होम ट्रेड। अब वही बाउंड्रीज अब हम क्रॉस कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को भी इन्होंने क्या बोल रखा है, इम्पोर्ट ट्रेड। अब इम्पोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता होगा, हम जब कुछ प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, मान लीजिए इंडिया चाइना से प्रोडक्ट परचेज करके इंडिया में लेकर आता है, तो इंडिया क्या कहेगा कि मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया है। अब इंडिया मान लो जापान को माल सेल करता है या मान लीजिए हम श्रीलंका को माल सेल करते हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे इंडिया में चावल अच्छा होता है, चाय पत्ती अच्छी होती है, तो हम बाहर की कंट्री को सेल करते हैं। तो मतलब जब हम इंडिया के लेवल से देखें तो इंडिया क्या कहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को माल भेजती है या सेल करती है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने चाइना से कुछ खरीदा और मैंने पाकिस्तान को सेल कर दिया, या मैंने अमेरिका से कुछ खरीदा मैंने श्रीलंका को सेल कर दिया, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड का। मतलब इसमें एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट परचेज करके किसी तीसरी कंट्री को हम सेल कर देते हैं। तो यहां पर हमारे तीन एग्जांपल इसके अंदर आ गए, फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और द इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसमें कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स भी आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या स्टडी करने को मिल रहा है भाई, कॉमर्स के अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया, कॉमर्स के अंदर हमने ये सारा टॉपिक स्टडी कर लिया ट्रेड का, जिसमें हमने देख लिया होम ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है। अब हम स्टडी करने वाले हैं कि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक क्या है, मतलब जो हम ट्रेड वाले काम करते हैं, ये वाले जो हम काम कर रहे हैं ना ट्रेड वाले, इस ट्रेड के काम को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज की हेल्प लेनी पड़ती है, या यह कह लीजिए हिंदी में कि कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं जो हमारी ट्रेड को पूरा करने वाली हैं। तो ये छह टॉपिक हैं, बहुत इजी हैं। इन छह टॉपिक को हम एक बार तो पहले शॉर्टकट में देखेंगे। तो शॉर्टकट में अगर आप समझकर ही इस टॉपिक को यहीं पर रोकना चाहते हैं, वीडियो को यहीं रोकना चाहते हैं, तो यहीं रोक देना, नहीं तो वीडियो को आगे और थोड़ा डिटेल में देखना चाहे तो कंटिन्यू भी कर लेना। तो यहाँ पर ये बात है कि भाई जो हम ट्रेड करते हैं, सेल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे फॉरेन में ट्रेड करें या लोकल ट्रेड करें या रिटेल ट्रेड करें या होलसेल ट्रेड करें, तो ट्रेड ही है। तो इस ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी हेल्प करने वाली हैं, कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं, तो कहता है कि अब इस टॉपिक का मतलब क्या है, कहता है इट रेफर टू ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड।
कहता है कि व्यापार के रास्ते में, ट्रेड के रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स से ऊपर उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, उन एक्टिविटीज को इस टॉपिक का नाम दिया गया है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यस भाई, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में कोई तो कोई प्रॉब्लम आएंगी। अब इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो काफी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, तो उन सारी एक्टिविटीज को क्या बोल दिया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बोले तो ट्रेड की सहायक क्रियाएं, मतलब ट्रेड हमारा किस किस की हेल्प से होने वाला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, बिजनेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम पर्सन की आएगी। अब मैंने फैक्ट्री लगा ली, प्रोडक्शन तो कर दिया, लोगों तक पहुंचाऊंगा कैसे, प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे को होलसेलर और रिटेलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो होलसेलर रिटेलर या एजेंट हैं, या मैं किसी ना किसी को तो नौकरी पर रखूंगा, भाई मेरा प्रोडक्ट को सेल कर करा। तो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो मेरे को मिडल मैन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मिडल मैन के अंदर होलसेलर लगा लो, रिटेलर लगा लो, कोई भी लगा लो। अब मान लो एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह तक लेके जाना है तो प्लेस की प्रॉब्लम आ गई, जगह की प्रॉब्लम आ गई। तो जगह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसकी हेल्प लूंगा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन की हेल्प से तो उन लोगों तक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरे प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा। अब दिल्ली से आपको तमिलनाडु तक प्रोडक्ट पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, रेलवे की हेल्प लेनी पड़ेगी, या आपको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो जगह की समस्या आती है तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हेल्प ले लो। अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम आती है तो, अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट तो बना दिया नवंबर में, यूज करना है आपको मार्च के अंदर, प्रोडक्ट तो बनकर रेडी हो गया, क्या करोगे, कहां रखोगे, फैक्ट्री में इतनी जगह नहीं है क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन चलता रहता है, तो अब आपको माल रखना पड़ेगा गोडाउन के अंदर। अब आपको अगर रिस्क की प्रॉब्लम आ गई तो रिस्क कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस। पैसे की नीड पड़ गई, पैसे की प्रॉब्लम आ गई तो पैसा कहां से आएगा, बैंकिंग सेक्टर से। अगर आपको इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी एडवर्टाइजिंग की हेल्प से। आपने देखा है ना, टीवी पर या कहीं पर भी न्यूज देखते हो, विज्ञापन देखते हो या अखबार में देखते हो, तो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो अगर ये टॉपिक आपको यहाँ पर शॉर्टकट में क्लियर हो गया है कि बिजनेस में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप टॉपिक को यहीं पर चाहें तो रोक सकते हैं। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को मैंने थोड़ा सा डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आगे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिडल मैन का टॉपिक, कि ट्रेड के अंदर जो सहायक क्रियाएं हैं वो पहली एक्टिविटी कौन सी है, मिडल मैन। अब मिडल मैन को मैं टॉपिक को कैसे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। कहता है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, भाई प्रोडक्ट हमारा बन तो जाता है पर उसको खरीदने वाला, यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब उन लोगों तक, उन अनलिमिटेड लोगों तक, उन अनलिमिटेड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को हम पहुंचाएं कैसे, तो कहता है कि उस अनलिमिटेड कस्टमर तक अगर हमको पहुंचना है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का, फैक्ट्री चलाने वाले का, उन सारे लोगों तक अकेले पहुंचना आसान नहीं है। तो उस कस्टमर तक अब हमको पहुंचना है तो उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, होलसेलर और रिटेलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो होलसेलर का टॉपिक और रिटेलर का टॉपिक तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर के आसपास आपने देखा होगा, मार्केट में देखा होगा, कुछ लोग एजेंसी लेकर बैठ जाते हैं, किसी के पास ब्रेड की एजेंसी है, किसी के पास दूध की एजेंसी है, किसी के पास मान लो बिस्किट की एजेंसी है। तो ये जो एजेंसी लेकर लोग बैठे होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, होलसेलर। तो होलसेलर क्या करता है, जो कमोडिटी परचेज करता है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीद लेता है और इन बड़ी बड़ी क्वांटिटी को किसको सेल कर देता है, रिटेलर्स को। अब मन में आएगा कि भाई रिटेलर्स कौन होते हैं, घर के आसपास हमने दुकानें देखी हैं, किराने की दुकान, परचून की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान, ये रिटेलर्स होते हैं। जो आप प्रोडक्ट छोटी छोटी दुकानदारों से खरीद के लाते हो तो ये रिटेलर्स होते हैं। तो रिटेलर वास्तव में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को, कंज्यूमर को। तो रिटेलर क्या करता है, इस प्रोडक्ट को, इस चीजों को कस्टमर को सेल कर देता है और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। भाई जब आपको टूथपेस्ट चाहिए तो टूथपेस्ट मिल जाती है, बिस्किट चाहिए बिस्कुट मिल जाता है, चीनी चाहिए चीनी मिल जाती है, चाय पत्ती चाहिए चाय पत्ती मिल जाती है। तो रियलिटी में क्या हो रहा है, फैक्ट्री वाला जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो होलसेलर को सेल करता है, वो रिटेलर को सेल करता है और अल्टीमेटली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो ये जो होलसेलर और रिटेलर की बात हो रही है, इसी को इन्होंने क्या बोला है, मिडलमैन। क्योंकि भाई ये कहता है कि भाई मैं अकेला कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता तो मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कौन करेगा, होलसेलर और रिटेलर। तो मतलब कहने का क्या है,
ये जो पर्संस की प्रॉब्लम आती है, ये पर्संस की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये पर्सन की प्रॉब्लम को मिडल मैन की हेल्प से ही सोल्व किया जा सकता है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा मिडल मैन को लेकर। अब अगला जो टॉपिक है कहता है भी ट्रेड की जो दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं जिससे मेरी ट्रेड में हेल्प मिलने वाली है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन। कहता है कि भाई अक्सर क्या होता है भाई, प्रोडक्शन तो एक जगह पर हो गया, प्रोडक्शन एक जगह पर हो गया तो जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्ट आपका आसपास सेल भी हो जाएगा। आपने दिल्ली में फैक्ट्री लगाई, पंजाब में माल बेचना है या तमिलनाडु में गुड्स को सेल करना है तो वो कस्टमर तो आपके आसपास भी नहीं है, बट आपको प्रोडक्ट तो सेल करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प के अंदर आप क्या करते हो, रेलवे की हेल्प लेते हो, ट्रकों की हेल्प लेते हो या गाड़ी बुक करते हो। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आप अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हो। बोले तो आपका जो प्रोडक्ट है प्रोडक्शन की जगह से कहां पे पहुंचने वाला है, जहां पर प्रोडक्ट यूज होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम आपकी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से यूज होने वाली है। तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कमोडिटीज को, बोले तो अपने प्रोडक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेकर जा सकते हो। तो कहता है कि भाई ये जो सेल और परचेज करने की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये इन एक्टिविटीज को हम फाइनल कैसे करते हैं। तो कहता है कि इन एक्टिविटीज को हम फाइनल करते हैं, पूरा कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन की हेल्प से। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, टेलीफोन आ गया, टेलीग्राम आ गया, आजकल तो लेटर भी आ गए और आजकल व्हाट्सएप भी आ गई, ईमेल भी आ गए, टेलीग्राम आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट सेल करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि नहीं देखा है ना कि ऑनलाइन भी आपकी सेल परचेज होने लगी है। अमेज़न लगा लो, मीशो लगा लो या कुछ और एप्स लगा लो, तो उन एप्स के ऊपर भी तो आपकी सेल परचेज होती है। तो सेल परचेज करना हमारा इजी हो जाता है और सोशल मीडिया की हेल्प लेकर हम लोगों तक अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बात की। अब बात आती है हमारा ट्रेड के अंदर हेल्प करने वाली थर्ड एक्टिविटी कौन सी है, वेयरहाउसिंग। ये टॉपिक मैंने आपको हालांकि पहले बताया था भाई, जैसे मान लो सर्दी के कपड़े बनते हैं, सर्दी कब आती है, मान लो हरियाणा पंजाब के अंदर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, चार महीने सर्दी रहती है। पर हमारा प्रोडक्ट बनना, कपड़े बनने, ऊनी कपड़े बनने या स्वेटर या जैकेट बनने कब से तैयार हो जाती हैं, मान लो मार्च अप्रैल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब कोई भी फैक्ट्री है मार्च अप्रैल से प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगी तो माल बना कर तैयार कर करके रखेगी कहां पर, गोडाउन में। क्यों गोडाउन में रखना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो नवंबर दिसंबर में सेल होएगा। अब जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा आपको गोडाउन के अंदर तो माल रखना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या होता है कि आपकी जो टाइम की जो प्रॉब्लम आती है, सीजन की जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को कौन सोल्व करने वाला है, वेयरहाउसिंग, बोले तो गोडाउन। तो डेफिनेटली कहता है कि जब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है और जब अब आपका प्रोडक्ट सेल होना है, बिकना है, तब तक उसके बीच में एक टाइम होता है ना। वैसे ही इन्होंने यहां पर शुगर का एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है कि शुगर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो नवंबर से लेकर मार्च तक होती है और तब तक हम उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने की प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा, वेयरहाउस, बोले तो गोडाउन। कहता है कि अगर हमको कभी कभी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना हो, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना हो, इकट्ठा प्रोडक्शन करना हो, तो इकट्ठा प्रोडक्शन करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो माल हमारा एक साथ सेल भी हो जाएगा, बट वो माल हमको कहीं ना कहीं गोडाउन में तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा लेना चाहते हो तो हमको इकट्ठी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो वो बिकता तो कभी कभी है, बिकता तो कभी कभी है, पर जब तक वो आपका माल बिकेगा नहीं तब तक आपको गोडाउन में तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए भी हमारी गोडाउन काम करते हैं। तो इन सच्चे सिचुएशन जब तक हमारा माल बिक नहीं जाता है तो हमको उन गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है प्रॉपर मैनर में, कहाँ पे, गोडाउन्स में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो टाइम की प्रॉब्लम है, जो सीजन की प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं, वेयर हाउसेस की हेल्प से, बोले तो गोडाउन्स की हेल्प से। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रेड में आती है वो प्रॉब्लम है हमारी रिस्क की। रिस्क की प्रॉब्लम हम कैसे खत्म करते हैं, इंश्योरेंस की हेल्प से। भाई हर बिजनेस में रिस्क होता है। अब मान लीजिए मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक माल लेके जाना है तो रास्ते में हो सकता है कि आग लगने का नुकसान हो या चोरी करने का नुकसान हो या फैक्ट्री के अंदर मेरे को डर है भी आग लग सकती है, रिस्क तो है। बिजनेस में लॉस हो जाए तो रिस्क तो है। तो रिस्क को मैं कवर कैसे करूंगा, इंश्योरेंस की हेल्प से।
कहता है कि बिजनेस चाहे बड़ा है या छोटा है, हर बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम तो आती हैं। वो प्रॉब्लम हमारी रिस्क को लेकर आती हैं, तो ये प्रॉब्लम जो रिस्क की आती है वो हर बिजनेस में होती है। तो ये रिस्क की प्रॉब्लम डैमेज को लेकर भी हो सकती है, माल की चोरी को लेकर भी हो सकती है, और नेचुरल क्लैमिटीज बोले तो बाढ़ आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, या सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, इससे नुकसान हो जाता है। तो रिस्क तो है ही, पर इस रिस्क को मैं कवर कैसे करूंगा? इंश्योरेंस की हेल्प से। कहते हैं ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये आप इंश्योरेंस की हेल्प से कवर कर सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंश्योरेंस कंपनी को हमको पैसा पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तभी वो आपका रिस्क कवर करती हैं। तो ये हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक आया, क्योंकि हमको रिस्क को मैनेज करना है। अगला जो हमारा ट्रेड में जो एक्टिविटीज हमको हेल्प करती हैं वो क्या है? बैंकिंग। कहता है कि भाई बिजनेस छोटा है या बड़ा है, हर बिजनेस में पैसे की नीड तो होती ही है। उस पैसे की नीड तो, उस पैसे की जरूरत को या तो आप खुद पूरा कर लो, दोस्तों से पूरा करवा लो, फ्रेंड सर्कल से पैसा ले लो, फिर भी अल्टीमेटली बिजनेस अगर आपको ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो आपको बैंक से लोन तो लेना ही पड़ता है। तो बिजनेस में अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? बैंकिंग का टॉपिक है। कहता है कि जो पैसा होता है ना, पैसा, फाइनेंस, वो किसी भी बिजनेस की बैकबोन होता है, बोले तो रेड की हड्डी है। आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है या किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, पैसे की नीड तो है, तो ये पैसे की नीड तो है, ये पैसे की नीड कौन पूरा करेगा? बैंक। बैंक आपको पैसे की नीड को पूरा करता है, बैंक आपको काफी सारी फैसिलिटीज और भी देता है। कहता है कि पैसे की फैसिलिटी, पैसा हम कहां से ले सकते हैं? पैसा हम बैंक से तो ले ही सकते हैं, पर पैसा हम शेयर इशू करके भी ले सकते हैं, डिबेंचर इशू करके भी ले सकते हैं, फंड रेज भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से पैसा हम स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से भी आपकी मनी रेज हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर ये शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, ये आपके 11th का आगे एक चैप्टर आएगा बिजनेस फाइनेंस का, वहां पे भी स्टडी करने को मिलेगा। ये 12th का एक चैप्टर आएगा आपको अकाउंट्स में, वहां पे भी आपको स्टडी करने को मिलेगा। स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर आपको 12th में स्टडी करने को मिलता है, बुक के सेकंड पार्ट के अंदर। कहते हैं कि फाइनेंस जो कंपनी होती है, बैंक्स जो होते हैं, जो ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये वो होते हैं जो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई बिजनेस में अगर पैसे की प्रॉब्लम है, तो पैसे की प्रॉब्लम्स को बैंकों की हेल्प से, कंपनीज शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या फंड्स रेज करके, या स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और पैसे की प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। फिर कहता है कि भाई एडवर्टाइजिंग, भाई कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो क्या करोगे? एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टाइजिंग का यूज करोगे। कहते कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, कस्टमर को पूरी नॉलेज देने के लिए हमको क्या करवाना पड़ता है? एडवर्टाइजिंग कराना पड़ता है। तो ये वाला काम कौन करेगा? एडवर्टाइजमेंट करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है न्यूज़पेपर में भी आती है ना, आजकल तो ऑनलाइन भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है, टीवी पर भी देखने को मिल जाती है। तो एडवर्टाइजिंग से कस्टमर को आप एडवांस में नॉलेज दे सकते हो। आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को कैसे बनाओगे? न्यूज़ में निकाल दो, अखबार में निकाल दो, या टीवी पर एडवर्टाइजिंग चला दो, तो इससे कस्टमर को पूरी नॉलेज हो जाती है। तो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है? कस्टमर की नॉलेज को एनहांस करती है, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे देती है, प्रोडक्ट मार्केट में कहाँ पे अवेलेबल है ये नॉलेज भी दे देती है। तो डेफिनेटली अब कस्टमर को जब नॉलेज मिल जाएगी, तो कस्टमर अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएगा प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में। कि भाई जी कस्टमर को जब इन्फॉर्मेशन मिली गई, तो कस्टमर को पता है कि प्रोडक्ट मेरे को कहां से खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है? कस्टमर्स की नॉलेज को इंक्रीज कर देती है, और कस्टमर डिसीजन बहुत आसानी से ले सकता है। तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है? एक कस्टमर की नॉलेज को एनहांस करती है, और जो हमारी जो प्रॉब्लम है भाई, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, भाई कस्टमर को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए, तो इस इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करती है, दूर करती है। तो ये हमारा 6th टॉपिक भी कवर हो गया। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? कॉमर्स का टॉपिक, कॉमर्स के टॉपिक के अंदर हमने ट्रेड का टॉपिक डिस्कस किया, और हमने ये वाला टॉपिक भी स्टडी किया। जो हमारा कंप्लीट चैप्टर था वो क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इंडस्ट्री का टॉपिक, इंडस्ट्री के टॉपिक के अंदर हमने ये सारे टॉपिक स्टडी किए थे। हमने फिर स्टडी किया था कॉमर्स का टॉपिक। ये हमारी जो सेकेंड वीडियो थी,
ये हमारी कॉमर्स को लेके थी। कॉमर्स की इस टॉपिक में हमने ट्रेड और ट्रेड में कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको हेल्प करने वाली हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। तो हमारा चैप्टर कवर हो चुका है वाला। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।